अब यहाँ पे क्या है बाय, तो आप प्रीफ्रेस करेंगे 25, कितना था आपका टोटल अमाउंट 8,000, इसमें 8,000 है। अब ये आपका कैश डिस्काउंट है, इसलिए अपन ये वाउचर एंट्री में शो कराती हैं। ओनली अगर आपका कैश डिस्काउंट होता है तो परचेस में वही अमाउंट आती है जो आपके क्वेश्चन में दी रहती है। 8,000 दी है तो परचेस में अपन ने 8,000 लिख दिया, या फिर ये कैश डिस्काउंट है। और अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करने के बाद अमाउंट आती है आपकी, ठीक। तो ऑटोमेटिक 2 ले लिया उसने यहाँ पे एंटर, तो डी प्रेस करेंगे तो डिस्काउंट क्लियर बना हुआ है, तो आ गया 240, यहाँ पर भी 240 ही आया है अपना, ठीक। एंटर करके सो क्या करेंगे आप, सेव करेंगे, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें कुछ डाउट है? जब भी आपके क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट मीन्स नगद बट्टा यही होता है, तब आपको डिस्काउंट एंट्री में शो कराना होता है। ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं कराते हैं, तो अपन ने यहाँ पे करा दिया डिस्काउंट शो। और अगर यही ट्रेड डिस्काउंट होता तो क्या होता, 7,760 कैश पक्ष में भी आ जाता और यहाँ पे परचेस पक्ष में भी आ जाता, मतलब परचेस में भी आ जाता, तो फिर यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक आता ही नहीं, और आता नहीं है तो अपन शो भी नहीं कराते हैं, क्योंकि माइनस करके लिखते हैं वो अमाउंट अपन, ठीक है दोनों क्या। हाँ दोनों में सेम आता है, ट्रेड में, कैश में ओनली वही रहता है जो अपना परचेस का अमाउंट है वो परचेस में ही डलता है टोटल, ठीक है। तो आ जाएगा, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, राधे से माल खरीदा है 9,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट है 3%। हमने कहा था उधार वाली जब एंट्री होती है तो उस पर कैश डिस्काउंट नहीं लगता, क्यों, क्योंकि अपन जब उसे रुपए ही नहीं देंगे तो वो अपन डिस्काउंट कैसे दे देगा। कैश डिस्काउंट उधार पे दे सकता है क्योंकि ये तो ट्रेड है, तो व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार देता है ग्राहक को, तो उसने दे दिया जितना उसे देना था। तो क्या आएगा 2 में, राधे, तो अल्टर प्लस सी से आप राधे का लेजर बनाएंगे एंड अंडर में ये कहां से आएगा, सैंडी क्रेडिटर्स। अब कितने रुपए, 9,000 का आप 3% निकाल लेंगे, तो अपन यहाँ पे निकालें 9,000 × 3/100 कितना आया, 270। तो आप यहाँ पे 9,000 में से कितना माइनस करेंगे, कितना आया 8,730, तो ये आपका अमाउंट इसमें आ जाएगा 8,730 एंड, ये एंटर करेंगे आप, यही आपका परचेस में आ जाएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए अपन इसे एंट्री में शो नहीं कराया। और अगर यही कैश, अगर उधार वाली एंट्री आई है, अगर नगद एंट्री होती तो यहाँ पे पूरा कितना आता, 9,000 अमाउंट, तो ऑटोमेटिक वो आपको 2 दे देता है, ठीक है। एंटर करेंगे इसको सेव कर देंगे, तो आ जाएगा आप सभी को इतना। नेक्स्ट क्या है, माल बेचा है आपने, भुगतान में चेक मिला है, चेक मिला है जिसको आपने कैश समझ के आपके पास रखा हुआ है, तो सेल्स वाउचर में होगी इसकी एंट्री और यहाँ से एस वाउचर, तो बाय में क्या आएगा आपका, चेक इन हैंड। अल्टर प्लस सी से आप चेक इन हैंड का लेजर बना लेंगे। अंडर में ये कहां जाएगा, कैश इन हैंड, कितने रुपए, 12,000, और 2 में सेल्स, एस प्रेस कर रहे हैं पर आ नहीं रहा है क्योंकि लेजर नहीं बना हुआ, तो अल्टर प्लस की से क्या करेंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड रिसीव इन चेक, भी आपको चेक मिला है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, अब आप यहाँ पे देखिए, गौरव का नाम मतलब पर्सन का नाम भी है, व्यक्ति का नाम, और फोन पे द्वारा प्राप्त भी हो गया, मतलब आपको जो आपने बेचा था उसका भुगतान भी आपको मिल गया है, तो कौन सी एंट्री हुई है आपकी, नगद, पर भुगतान आपको फोन पे द्वारा मिला है, तो बाय में क्या आएगा, बैंक, कितने रुपए, 18,000 एंटर, 2 में सेल्स, यूज आएगी एंट्री, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट, अब आपका इसमें क्वेश्चन क्या है, सौरभ को माल बेचा 20,000 रुपए का, मतलब नाम अकेला है इसमें, तो कौन सी एंट्री हुई है, उधार, तो बाय में क्या आएगा, सौरभ का नाम, अल्टर प्लस से आप उसका लेजर बना लेंगे, ठीक है।
अंडर में कहाँ से आएगा, सैंडी डेप्थ, ठीक, यहाँ पे अपन इसे सेव कर देंगे। कितने रुपए? 20,000। न्यू लीफ ले लेंगे अपन यहाँ से, 2 में सेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, 12,000 रुपए। अब आपने बैंक में रुपए जमा किए हैं तो किस वाउचर में एंट्री होगी? कॉन्ट्रा वाउचर। तो 2 में क्या आएगा? बैंक। अरे नियम, पाने वाले को बाय, देने वाले को टू। तो बैंक को अपन दे रहे हैं तो बैंक बाय हो जाएगा, और कैश अपन दे रहे हैं तो टू हो जाएगा। यहाँ पे कैश, नियम याद रखो, कर ऐसे मत सोचा करे कि टू आएगा या बाय, तुक्का मत लगाया करे, तुक्का तो गलत भी हो सकता है। कितने रुपए? 12,000 और बाय बैंक। एंटर करेंगे, इसको सेव कर देंगे तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और भी है? अपन बैक चलते हैं, बैलेंस शीट के लिए भी प्रेस करते हैं। अरे पर गलत है ना, सही है, सही है। गर्ल्स में किस किस की सही है और बॉयज की? इतना ध्यान नहीं दिया था हमने, तो हमने क्वेश्चन चेक किए थे। चलिए अब इसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी आपको कंफ्यूज है डिस्काउंट में। अब ये बताइए, डिस्काउंट आपके दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? ये तो सभी को क्लियर है। अरे चलिए आप बताइए राघव भैया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? किसकी? किसकी? वही तो हम पूछे, किसकी एंट्री नहीं करते? ओके चलिए एक और पॉइंट बताइए इसका, हमने एक और कुछ बोला था, अब आप भूल गए। देखिए अब थोड़ा सुन लेते हैं, आप उनसे बात नहीं करते तो आपको याद रहता। घर से पूछा, हमने बोल ही दिया इतनी देर में। तो चलिए क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? क्या होता है? व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार ग्राहक को देता है और सभी को बराबर देता है, मतलब समान, यही होता है। जैसे हम हैं व्यापारी और आप हैं ग्राहक, आप हमारे पास कुछ लेने आए तो हम सभी को बराबर देंगे और हमारे अकॉर्डिंग ही देंगे हम। अगर सभी को हमने 10% दिया है तो हम यहाँ पे आप सभी को भी 10% ही देंगे। ये क्या हो जाता है? आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? ग्राहक अपनी इच्छा से लेता है, मतलब आप लोग हमसे अपनी इच्छा से लेंगे कि हमें और कम कीजिए, और वो समान नहीं होता। इन्होंने 10% ले लिया, आपने 12% लिया, इन्होंने 20% ले लिया, ऐसा होता है। ये कोई कम कर लेता, कोई ज्यादा कर लेता है, तो ये होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट को वाउचर एंट्री में शो कराते हैं। अब कैसे कराते हैं? जिस पक्ष में आपका कैश होता है उसी पक्ष में आपका डिस्काउंट होता है, ये तो क्लियर है। हम यहाँ पे वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं, पेस अप करते हैं यहाँ पे अपन, ये वाली। देखिए अभी इसमें मान के चलिए आप कैश डिस्काउंट ही है ओनली, इसमें दोनों डिस्काउंट है पर कैश डिस्काउंट मान के चल रहा है। तो 11,640 का हमने आपको बोला कि माल खरीदा है जिस पे कैश डिस्काउंट लगाया है आपने। तो अब आपको देखिए कैश डिस्काउंट आपका आ रहा है, सो हो रहा है इसमें, और किस पक्ष में हो रहा है? टू पक्ष में। तो टू पक्ष में ही क्या है आपका? कैश। तो क्या हो गया कि कैश के साथ ही आपका डिस्काउंट शो कराया जाता है और कैश डिस्काउंट एंट्री में शो होता है, तो ये शो कर दिया अपन ने। अब आपका ट्रेड डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट को अपन वाउचर एंट्री में शो नहीं करते हैं, नहीं करते। हम पेज डाउन करते, इसमें है क्या कोई सा? इसमें नहीं है सर, कैश डिस्काउंट ओनली का नहीं दिया था हमने, तो वो उधार है ना, वो तो कैश वाला नगद वाला बोल रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन दिया कि माल खरीदा है आपने और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% है, और माल कितने का खरीदा आपने? 10,000 रुपए का। तो बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करें, किस बाउचर में होगी आपकी परचेज? एस बाउचर। तो टू में क्या आएगा आपका? कैश। कितने रुपए?
आप 10,000 का 10